कि दोस्तों आप भी YouTube चैनल बना रखे हैं और वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके YouTube चैनल पे 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और थक हार कर आप अपना समय के साथ साथ रुपये पैसे भी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन परेशान होकर के अब YouTube चैनल छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक और वीडियो का जो कौन सा वीडियो बनाना है ये सब बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका हो सकता है 1, 2, 4, 5 वीडियो में ही आपका 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर यूं ही पूरा हो जाएगा और आपका चैनल हवाई जहाज की तरह यूं हवा में उड़ने लगेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं RD टेक्निकल कैप्सूल। तो आप लोग बने रहे, मैं आप सभी को बारीकी से बताऊंगा कि किस तरह से मैंने 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा किया। और उसके बाद दोस्तों आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि मेरा पहले का एक चैनल था जो कि नया चैनल था जिसपे कि 40000 सब्सक्राइबर था, वो चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका था और उससे मेरा अर्निंग भी हो रहा था, जिससे कि दोस्तों मैंने उससे अर्न करके मैं एक लैपटॉप, मोबाइल और मैं अपना कुछ ज़रूरत के चीज़ें परचेस कर लिया हूँ उस यूट्यूब चैनल के अर्निंग से। तो दोस्तों ये एक मेरा पुराना ओल्ड यूट्यूब चैनल है, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले गुरुजी हैं वो लोग बताते हैं कि पुराने यूट्यूब चैनल पे जो कि है आपको रिच नहीं मिलेगा, आपको उसमें कोई बूस्टिंग नहीं मिलेगा, आप उससे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को बोलता है कि नया यूट्यूब चैनल बनाएं। तो दोस्तों ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये आप सभी को लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने पुराने यूट्यूब चैनल पे जो कि 2017 का यूट्यूब चैनल था, क्योंकि मेरा वो जो नया वाला यूट्यूब चैनल था वो मेरा बंद हो गया, यूट्यूब चैनल का कुछ मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया, उसके कारण से यूट्यूब वाले ने मेरा यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है और चैनल को डिलीट कर दिया है। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे क्या पता था कि मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी का किसी दिन का मेरा स्क्रीनशॉट होगा तो मैं इधर साइड में आपको दिखा दूंगा। लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये अब मैं अपना पुराना चैनल पे काम कर रहा हूँ। इस पुराने चैनल पे मैं क्यों काम कर रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। मैं इस चैनल पे इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि इस पे मेरा कुछ सब्सक्राइबर पहले से ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, जैसे कि 900 तक सब्सक्राइबर इस चैनल पे था मेरा। तो मैंने सोचा इसी को क्यों ना बूस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे YouTube चैनल वाले से सुना जाता है कि पुराने चैनल नहीं चलते हैं, वो डेड हो जाते हैं, पुराने चैनल फ्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों उस पुराने चैनल को मैं फ्रीज को अनफ्रीज करने वाला हूँ, वो भी आप सभी का मददों से। तो दोस्तों चलिए मैं अपने चैनल पे ले चलता हूँ। ये हमारा पुराना चैनल है, छः साल पुराना चैनल है दोस्तों। मैं इस पे अब दोबारा से वापस आया हूँ और इसी पे काम करूँगा, क्योंकि सभी को दिखाना चाहता हूँ कि पुराना चैनल भी बूस्ट होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दिक्कतें हो जाता है, लेकिन हाँ उस पर आप लोग काम कीजिएगा सही से, जो सेटिंग है वगैरह उसको क्लियर कीजिएगा, उसके बाद वीडियो के लिए आप अच्छी बनाएंगे और ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो आपका जो है वीडियो में बूस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकती हूँ मैं शॉर्ट वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो जो कि 5-6 मिनट का है, 7 मिनट समथिंग का है, ये वीडियो 7 मिनट समथिंग का है, लाइव AMD सिक्योरिटी गार्ड फिजिकल टेस्ट। एक्चुअली में दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे आसपास में ही AMD का जो है फिजिकल हो रहा था, जो कि एक जो ये गवर्नमेंट जॉब का फिजिकल हो रहा था, तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक वीडियो शूट कर लिया अपने फ़ोन से ही, और उस वीडियो में जो 14000 व्यू उस वीडियो में आया सिर्फ 10 से 15 दिनों में। दोस्तों इससे आप लोगों को क्या मालूम होता है कि जो नई टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, आप लोग स्टूडेंट भी होंगे, आप लोग मतलब बहुत सारे अलग अलग विभाग में काम करते होंगे, उसी में कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है या आसपास में आपके गांव, मोहल्ला, एरिया के जो आसपास का जो नाम और चर्चित मेले हो गया या कोई ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां जाइए, आप लोग अपने फ़ोन से ही वीडियो शूट कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। तो दोस्तों देखिए उस पर वीडियो का भरपूर मात्रा में आपको व्यू भी बढ़ेगा, वॉच टाइम भी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। मैं यूं ही मज़े में जो है ना उस दिन वहाँ पर वीडियो बना लिया कि चलो दोस्तों देखता हूँ कि इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा। तो मैं फिजिकल सेंटर के आसपास में खड़े होकर के मैंने वीडियो बनाया और ये वीडियो जो है ना मेरा थोड़ा चला,
तो मुझे लगा कि पुराने चैनल पे भी हम दोबारा उनको रनिंग में ला सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने दोबारा इस चैनल पे आया हूँ और इस चैनल को आप सबके मदद से ऊपर ले जाने वाला। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसमें यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताते रहूँगा। जो हमारे रनिंग में चैनल था जिससे मेरा अर्निंग हो रहा था, वो चैनल मेरा डिलीट हो गया है, उसको यूट्यूब चैनल वाले ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसमें मैंने गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, मेरा उसमें कॉपीराइट क्लेम भी आया था, उसके बाद रीयूज कंटेंट भी आया था उसी में। उसके बाद दोस्तों एक और गलती मैंने कर दिया, जैसे आज रिलीज हुआ राम सेतु मूवी, उसी मूवी के बारे में बाय फेस सामने आकर के मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप लोग फुल वॉच कर सकते हैं HD क्वालिटी में। तो दोस्तों ये क्या है ना, यूट्यूब के गाइडलाइन का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों इस तरह का आप लोग वीडियो नहीं बनाइएगा, क्योंकि मैं पछता रहा हूँ, मेरा चैनल डिलीट हो चुका है जिससे अर्निंग होता था, इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं और मेरा भाई, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जितने भी ऑडियंस हैं, अगर आप लोगों को भी इस चीज़ का फेस करना हो, इसीलिए उन सब से अवेयरनेस दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया हूँ। और यूट्यूब चैनल के टिप्स एंड ट्रिक के लिए मैंने टेक्निकल कैप्सूल नाम का एक चैनल बनाया हूँ, ताकि इसमें मैं आप सभी को यूट्यूब चैनल के बारे में बताते रहूँगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही स्ट्रगल किया हूँ, बहुत ही इनमें उतार चढ़ाव को देखा हूँ। मैंने इसमें कमाने के लिए नहीं आया था, सीखने के लिए आया था, और मैं अब सिखाऊंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल से कैसे ग्रोथ पा सकते हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी आपको, कौन सी गलतियाँ करेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल के, और सही कैसे आप लोगों को इस पे चलना है। तो और आप अपने सर्कल में जो नए नए यूट्यूबर बने हैं उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर दूसरे तीसरे दिन एक ना एक यूट्यूब चैनल का बढ़िया बढ़िया जो चीज़ के मैंने दिक्कतें सहा हूँ उन सभी चीज़ को स्टोर करके रखा हूँ। मुझे कौन कौन से टिप्स पे वीडियो बनाना है, क्या क्या चीज़ के लिए वीडियो बनाना है, ताकि आप लोगों को वो वीडियो काम में आ सके। वो चैनल डिलीट हो गया तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने उससे इतना चीज़ सीखा हूँ कि मैं दोबारा इस चैनल को बूस्ट दे सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ हैं, उसके बाद डरने को क्या बात है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे आर्डी टेक्निकल कैप्सूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो मेरा पुराना चैनल था